A very good evening and welcome to us. Let's commence today's class. जो भी साथी हमारे बीच ज्वाइन कर चुके हैं एक बार हम सब करके बता दें, आर यू गेटिंग माय वॉइस, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल, एम आई ऑडिबल टू ऑल। नीरज जी, पिंकी जी, शैलजा जी, थैंक यू वेरी मच। आइए सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है वो क्लास के बाद लगाया जाएगा, क्योंकि अगर पहले लगाते तो कई लोग टेस्ट देने में बिजी हो जाते हैं और क्लास मिस हो जाती, राइट। क्लास के जस्ट बाद आपका टेस्ट लगाया जाएगा। और अब 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं आपको, तो उनमें कम से कम 2 अटेम्प्ट्स या 3 अटेम्प्ट्स तो कर लिया करो। 2 अटेम्प्ट्स में आप 100% सिक्योर करोगे, कॉन्फिडेंस भी आएगा। जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनको नोट डाउन करें, सीखें। एवरी संडे पूरी PDF भी लगा दी जा रही है, उसको भी आप लोग देख लिया करें, राइट। कम ऑन, आइए सीधे चलते हैं। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द idiom। idiom आपके सामने है, ध्यान से जवाब करिएगा। क्वेश्चन है, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स इन द स्कीम ऑफ एजुकेशन प्रूव्स टू बी अ मेयर्स नेस्ट। फॉल्स इन्वेंशन, अ नोबल थिंग, अ सक्सेसफुल आइडिया, अ टाइमली स्टेप। तेजी से जवाब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। ज्यादातर हमारे साथी सी के साथ जा रहे हैं। समझने की जरूरत है, आखिर पिंकी जी सॉरी क्यों ए के साथ हैं, एक लोग सी के साथ हैं, मतलब एक तो गड़बड़ है ना। पहले आप क्वेश्चन देखा करें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स इन द स्कीम ऑफ एजुकेशन प्रूव्स टू बी अ मेयर्स नेस्ट। और मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है एक झूठा आविष्कार, यानी कि अ फॉल्स इन्वेंशन। और राइट आंसर आपको लगाना है क्या जी, ए। तो जितने लोग ए वाले हैं क्यों, वो एकदम सही हैं। डी वाले गड़बड़ हैं, सी वाले भी गलत हैं। चलो खाता खुला। चलो, आई वॉन्ट नन ऑफ योर बैक चैट। वट इज द मीनिंग ऑफ बैक चैट? इम्पर्टिनेंट रिमार्क्स, कॉम्प्लेंट्स, टेंजेंट क्रिटिसिज्म, प्लीजिंग रिमार्क। क्वेश्चन पर ध्यान देना है और सही आंसर करेंगे माई डियर। बैक चैट का मतलब होता है असंगत टिप्पणी, और इम्पर्टिनेंट रिमार्क इज द राइट आंसर। चीजों को तैयार करते जाएं। देख रहे हो कितना गलत कर रहे हैं कुछ लोग। कुछ नहीं कहना मुझे, बस आप सीखते जाइए और मुस्कुराते जाइए कि आप इवास देख रहे हैं। वी मस्ट ऑलवेज बियर इन माइंड दैट ओनली हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। बियर इन माइंड, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, फॉरगेट, थिंक। जैसे हम कहते हैं ना, ए भाई एक बात दिमाग में ध्यान कर लेना, यानी कि याद रखना। बियर इन माइंड का मतलब है रिमेंबर। इतना गलत कर रहे हो आप भाई, आज तो डांटने का मन हो रहा है। एट होके चले जा रहे हैं लाइन से। यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट ओनली हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। बहुत गलत कर रहे हो भाई। पंडित नेहरू वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। Born in a royal family, born in a middle class family, born in family of nationalist, born in a wealthy family.
भाई आप कंफ्यूज होंगे ए और डी के बीच। आपको लगेगा कि रॉयल परिवार में पैदा हुए थे कि धनवान वेल्दी फैमिली में। तो आपके कंफ्यूजन को दूर करते हुए और राइट आंसर बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में कीर्ति जी, कीर्ति शुक्ला जी ए के साथ जा रहे हैं और हमारे कुछ साथी डी के साथ जा रहे हैं। मतलब टाइम चेंज हुआ है क्या? हे भगवान, कौन पूछ रहा है? डांटने तो थोड़ा मुझे। चलो निकल गया, डांट से बच गया भाई, जो भी हो उसका भाग अच्छा है। अरे भाई, अनाउंसमेंट में मैसेज ऑलरेडी दिया गया था कि अब एप्लीकेशन में क्लास 9 PM होगी, 10 PM नहीं। तब भी बॉर्न इन अ रॉयल फैमिली, द राइट आंसर इज डी। आप कहोगे ये कैसे हो गया? आपने गुरुजी बोला कुछ लगा दिया, कुछ यही कहोगे ना? कहो, अच्छा लगता है। देखो सीधी सी बात सुनो, आप कितना ऑप्शन से कंफ्यूज होते हो ये देखो आप। ये ऐसा, मैं ये नहीं कहता कि ये ईडियम आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ा है जरूर। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, पढ़ा हुआ है। अच्छा राइट, प्रॉब्लम समझो। इसका मतलब होता है धनवान परिवार में पैदा हुआ है, धनवान परिवार में पैदा हुआ तो रॉयल में क्यों चले गए? रॉयल होता है शाही, और वेल्दी मतलब धनवान, तो आंसर डी लगेगा। दिमाग देखो, गांठ बांध लो, पढ़ा हुआ। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, TGT PGT में पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी गलत होता है। अच्छा एक दो नहीं होते जो पेपर दिए हैं, मेरी बात से समर्थन करेंगे, ठीक है, जो दिए हैं क्वेश्चन पेपर इसके पहले कभी TGT PGT, उसमें होता क्या है कि 125 में कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो खूब पढ़े हुए होते हैं, और ये 10 में, ये 10 वो वाले बता रहा हूँ जो 8 गलत हो जाया करते हैं। यहीं से सिलेक्शन का नमो नारायण हो जाता है। पढ़ने वालों का सिलेक्शन एक जो रुकता है ना, वो बस 5-6 क्वेश्चन इतने में खेला होता है। अगर आप ये साध लिए तो का चुप साध रहा बलवाना, सिलेक्शन की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। देर वॉज अ जॉब फॉर मी टू कट माई टीथ ऑन, बहुत ही ध्यान से देखना। टू ट्राई टू गेन एक्सपीरियंस, टू शार्पन माई विट्स, टू अर्न अ डिसेंट सैलरी। ओम नमो नारायण। भाई जब आप करेंगे सभी साथी, देखो टू कट वंस टीथ ऑन, इस ईडियम का मतलब होता है अनुभव प्राप्त करना। नोट डाउन करेंगे, द राइट आंसर इज टू गेन एक्सपीरियंस। अच्छा कई लोग कंफ्यूज हैं जो आज नहीं है क्लास में, दिख रहे हैं, संख्या कम दिख रही है। इसका मतलब साफ हो गया कि इनको पता ही नहीं चला, अनाउंसमेंट देखते ही नहीं है, हैं? अनाउंसमेंट, जबकि मैसेज आता है सीधे सीधे कि इवास ने अनाउंसमेंट किया है, कुछ देखने की जरूरत, समझते नहीं है। वह हाँ मैडम जी ने व्हाट्सएप 4 बार चेक कर लिया। जो कई तो ऐसे भी हैं कि इंस्टा 10 बार चेक कर लिए, लेकिन इवास जिससे लाइफ बननी है, 62 वर्ष, 62 ईयर्स तक धड़ाधड़ सैलरी आनी है, उसको एक बार भी चेक नहीं किया। 62 ईयर्स तक आपके अकाउंट में फटाफट, और जब आप रिटायरमेंट होंगे उस समय सैलरी लगभग 1,50,000 होगी, समझ लो। आजादी से बुढ़ापा कटेगा, नोट कर लेना दिमाग में। इवास चेक किया करो, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, यहाँ वहां दाएं बाएं स्टेटस स्टेटस में बिल्कुल मत जाया करो, ठीक है? टेस्ट कायदे से दो, मेहनत से पढ़ाई करो, सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। अगर पढ़ाई कायदे से कर लिया, जो इस चक्कर में पड़े रहेगा अभी आयोग नहीं आया, परीक्षा नहीं होगी, ऐसे नेगेटिव लोगों में रहोगे तो फिर वही नमो नारायण है। सीधी सी बात है, जिसने इस समय पढ़ लिया उसका कल्याण होना ही होना, पेपर तो होगा ही भाई, कैसे रोक लेगा? 2 महीने लेट हो जाएगा और क्या। हाँ न्यू सैलरी है भाई, सज्जन एक पूछ रहे हैं, इस समय अगर आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपका बनेगा 67,400 समथिंग, ठीक है? ये लगभग, और अगर BIP शहर में पहुंच जाओगे तो इसमें 2,300 रुपये और प्लस हो जाएगा, HRA वाला चेंज होता रहता है, 2,000 2,000 का अंतर होता है, ज्यादा नहीं, ठीक है? 3 कैटेगरी का HRA मिलता है,
प्रयागराज में रहोगे तो ए ग्रेड में रहोगे। चूज द मिस स्पेल्ड वन। हाँ देखो 425 इन्होंने बताया, सही बताया बिल्कुल। चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड माई डियर। गलत स्पेलिंग का चुनाव आज करके दिखा दो तू फटाफट। देखो भाई आंसर आ गया है, बहुत अच्छा शाबाश। ये स्पेलिंग ही तो है जो आदमी को रुलाती है। द राइट आंसर इज बी, एग्जॉर्बिटेंट, ई एक्स ओ आर बी आई टी ए टी एन टी ए एन टी, एग्जॉर्बिटेंट, प्रचुर, खूब ज्यादा। चलो बहुत अच्छा पिंकी जी, इस समय मेहनत कर रहे हैं आप ना, बहुत अच्छे। 67 पिंकी जी, इस बार लगे रहिए। मास्टर की LLP लैंग्वेज प्रैक्टिस 6000, इसको एकदम बिल्कुल डाइजेस्ट कर जाइए। और जितना MCQ मिला है वो सब कई बार पढ़ो, एक बार नहीं। यहां पर गलत कौन सा है ये आपको बताना है। द राइट आंसर इज बी, सेरेब्रल स्पेलिंग होती है CERE BRAL। इसका मीनिंग आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 8 नंबर में बोलो, स्पेलिंग में मजा आएगा, जल्दी से बोलिए 8 नंबर में। द राइट आंसर इज बी, इनोग्रेट, INAUGURAT, उद्घाटन करना। 9 नंबर बोलेंगे, द राइट आंसर इज, तेजी से बोलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बकाया सबकी स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क। PAGEANT, इसका मीनिंग बताइए। ये अदर ऑप्शंस के आप मीनिंग भी डिक्शनरी की हेल्प से लिखेंगे, दिस इज असाइनमेंट फॉर यू, राइट। चलें बहुत अच्छा, अर्चना जी सावित्री जी सब आ रहे हैं। हाँ सो सो करके सब आ रहे हैं, इनको पता नहीं रहा होगा कि आज क्लास का टाइम चेंज होगा। पता नहीं, अनाउंसमेंट चेक किया करो भाई, मुझे लगता है कि अनाउंसमेंट मैंने दे दिया, नोटिस हो गई सबको। एक बार देख लिया करो कम से कम, व्हाट्सएप 4 बार देख सकते हो लेकिन ऐप को आप एक बार नहीं ओपन करते हो। हाउ डेयर गो टीच। 10 नंबर में ध्यान से आंसर करना भाई फटाफट। तो राइट आंसर आपका ये है, मिस्चीफियस की स्पेलिंग गलत है, सही स्पेलिंग करिए आप। सही स्पेलिंग कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट, तेजी से लिखो, तेजी से लिखिए। चेक जरूर किया करो अपने आप को, आखिर गड़बड़ी हुई कहाँ है? ये तो किसी गलत नहीं होगा, MISCHI है ना, EVOUS। यहां पर ई नहीं होगी। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट। लिटरेचर में ध्यान देंगे, अकॉर्डिंग टू यू इज द फर्स्ट ग्रेट एपिक। आपको ये बताना है कि पहला ग्रेट एपिक कौन सा है। स्पेलिंग को डिक्शनरी से जरूर कंफर्म कर लिया करिए, बिल्कुल कोई भी डाउट रहे डिक्शनरी देखने में जरा भी संकोच नहीं करना है। सही स्पेलिंग आप ध्यान से लिखेंगे, अपनी कॉपी में नोट्स बनाते चलेंगे। पैराडाइज लॉस्ट या एनाइड, एलियड, मॉर्ट डे आर्थर, सभी साथी रिप्लाई करेंगे। नीरज जी कह रहे हैं सी होगा, इलियड। तो जितने भी साथी हमारे लगा रहे हैं सी आंसर, इलियड, दे आर एब्सोल्यूटली, बोलिए, राइट। क्यों जी, राइट है ना। हाँ बहुत अच्छा जवाब, वेल डन। हु इज द ऑथर ऑफ बियोल्फ, इनका ऑथर का नाम तो आपको पता ही होगा पक्का, कौन है ये क्वेश्चन आ चुका है, मे बी रिपीटेड।
यही तो है जिसके ऑथर का नाम पता नहीं है। अच्छा लिखा गया लेकिन ऑथर के नाम का पता ही नहीं। विलियम जे लॉन्ग में थोड़ी सी स्टोरी इसकी दी गई, बहुत छोटी सी। हु इज द ऑथर ऑफ ऑडिसी? क्वेश्चन नंबर 3, किसने लिखा है ऑडिसी का ऑथर कौन है? होमर इज द राइट आंसर। शाबाश, बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं आपके, वेल डन। एन एपिक इज डिवाइडेड इनटू सेवरल बुक्स, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन होमर्स इलियट? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जो होमर की इलियड है इसमें कितनी बुक्स हैं? 24 घंटे, 24। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन वर्जिल्स एनएड? वर्जिल्स की एनिड में कितनी बुक्स हैं? आधा कर दो भाई। द राइट आंसर इज 12। इनको एकदम बिल्कुल रट लेना, रट लो सीरीज बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक्स है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाना ना कोई कॉन्सेप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक्स हैज 24 बुक्स? 24 बुक्स किसमें है? द राइट आंसर इज ओडिसी। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू द सेम नंबर ऑफ बुक्स एज? रेस्पॉन्ड इमीडिएटली, 7 नंबर। पैराडाइज लॉस्ट उतनी ही बुक्स में डिवाइडेड है जितनी की डिवाइन कॉमेडी है। स्पेंसर्स फेरी क्वीन वॉज प्लान टू बी कंप्लीटेड इन 12 बुक्स बट ही वॉज एबल टू कंप्लीट ओनली 6 बुक्स। द राइट आंसर इज बी। नेम द एपिक रिटन बाय तासो, 9 नंबर। द राइट आंसर इज 9 नंबर में बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर लिख के जवाब करिए। जेरूसलम डिलीवर्ड, ऑप्शन ए। वेरी गुड, सुपर आंसर आ रहे हैं। हु इज द हीरो ऑफ होमर्स एलियड? द राइट आंसर इज एकिलीज। हु इज द हीरो ऑफ ओडिसी? 11 नंबर। ओडिसी से मिलता जुलता क्या है? ओडिसस। 13, 26। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करेंगे। वेरी गुड स्वाति चौहान जी, मनोज जी, काफी नए नाम दिख रहे हैं आज भाई, इसका मतलब कि सब जाग रहे हैं अब। वॉट इज द सेंट्रल थीम ऑफ होमर्स इलियड? हमारे कोई भी साथी जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, जिनका वैलिडिटी जो टारगेट बैच में है, याद रखिएगा टारगेट चाहे वो टीजीटी, पीजीटी या टेस्ट, उनकी वैलिडिटी एक्सपायर होती है और एग्जाम नहीं हुआ है, तो उन्होंने जितना पेमेंट किया था उसका 10% रिन्यूअल चार्ज आपको देना होगा और 1 ईयर के लिए वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाएगी। जो बात है ओपन टू ऑल है। द ट्रोजन वॉर, सेंट्रल थीम ऑफ होमर्स इलियट क्या है? ट्रोजन वॉर। बहुत अच्छा जवाब, वेल डन पिंकी जी, शाबाश। द सेंट्रल थीम ऑफ द लूसियड इज, हाँ मेहनत रंग लाएगी जरूर। और ये क्वेश्चन मैंने एक बार कहीं कराया है, याद करिएगा यूट्यूब में। वास्को डी गामाज ओविज टू इंडिया, व्हाट इज द नेक्स्ट टू कमांड आफ्टर सैटर्न इन द पैराडाइज लॉस्ट? ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लेना माय डियर। नेक्स्ट टू सैटर्न, सैटर्न के बाद किसका नंबर आता है? तो भाई 40 नंबर में तो सबका आंसर सही आना चाहिए, और ये क्वेश्चन आ चुका है आई थिंक सो। बिलजेबव, वेरी गुड मन्नू जी। 15 नंबर, वॉट इन मी इज डार्क इल्मा, इन वॉट इज लो रेज एंड सपोर्ट, इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डू यू लॉस्ट डू दीज लाइन्स अपीयर?
जो मेरे अंदर अंधकार पूर्ण है, अस्तो माँ सदगमे, तमसो माँ ज्योतिर्गमे, तमसो माँ ज्योतिर्गमे, वॉट इज मी इन डार्क, जो मेरे अंदर तमस है, अंधेरा है, अज्ञानता रूपी अंधेरा है, इल्यूमाइन, उसे प्रकाशित करो, ज्योतिर्गमे, वॉट इज लो, जो मेरे अंदर निम्न चीजें हैं, बुराइयां हैं, रेज, उन्हें ऊंचा बनाओ, अच्छाइयों में तब्दील करो, एंड सपोर्ट, और मेरा साथ दो। ये जॉन मिल्टन किस बुक में कह रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमारे साथी राइट आंसर करेंगे, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप आपने प्रैक्टिस को एंजॉय किया होगा। अपने दोस्तों के साथ इवास के बारे में चर्चा कर सकते हैं, कभी टाइम मिले जो। पढ़ने का माहौल बनाइए, खुद से जीतना है और मंजिल आपकी होगी। जब लोग थक करके बैठ गए हों, उस समय आप चलते रहिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मंजिल आपकी होगी। टेक केयर, गुड नाइट। हमारे टारगेट सीरीज के जो भी एस्पायरेंट्स हैं, उनको अभी तुरंत विद इन 5 मिनट्स एक टेस्ट मिलेगा, जरूर अटेम्प्ट करिएगा। इस समय आप लिटरेरी फॉर्म्स देख रहे हैं, और लिटरेरी फॉर्म्स के टेस्ट भी बहुत जल्दी स्टार्ट होंगे, अनाउंसमेंट देखते रहें। टेक केयर, बाय बाय। इस क्लास का पुनः प्रसारण YouTube में 6 बजे से किया जाएगा, छूट जाया करें, वहां लाइव देख लें। जी, ब्रॉडकास्टिंग। थैंक यू।